बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। दमोह उपचुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को करारी शिकस्त दे दी। दरअसल दमोह में बीजेपी अंतरकलह का सामना कर रही थी। सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री दमोह में कैंप कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके दमोह सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई। चुनाव नतीजों के बाद राहुल लोधी ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर हार का ठीकरा फोड़ा। उधर हार के बाद मचे घमासान और अपने ऊपर लगे आरोपों पर मलैया ने सफाई भी पेश कर दी है। देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत जबरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए, और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो डेढ़ डेढ़ दो दो हज़ार से हारे, और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज़्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को कैंडिडेट बनाया। कैंडिडेट बनाने के बाद चुनाव हुआ। चुनाव में जनमानस पूरी तरह से उनके विरोध में था, और ये कह देने से कि ये स्टार प्रचारक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और ये अपना वार्ड हार गए, जहाँ हम शहर में कोई वार्ड जीते ही नहीं हैं, देहात में भी हारे हैं। 17,000 की हार कोई हार होती है? कोई हरा नहीं सकता। 2-500 हज़ार वोट से तो समझ में आता है, 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। बीजेपी की हार के बाद जहां मंथन होना चाहिए, वहां बीजेपी में अंदरूनी घमासान और तेज हो गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस बार की लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों की वजह से। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दमोह की जनता ने खरीदी हुई सरकार को नकार दिया है। चले गए छलछंदों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जहां पूरे देश में सफाया हो गया है। वो छत्तीसगढ़ वाला तो हमारा भाई प्रत्याशी उठा लाया था कि आसाम में सरकार बन रही है। एमएलए तो मैंने सुने थे, प्रत्याशी पहली बार सुने थे। मेरी सहानुभूति है भूपेश जी के साथ में, पर परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम होना चाहिए आपका शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा है कि कहीं नहीं जीतने वाले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जयचंदों की खोज का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फैली अंतर प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। जो सरकार, यह मिश्रा जी को याद रखना चाहिए कि जो सरकार कांग्रेस के जयचंदों को खरीद कर बनाई गई थी, वो सरकार कैसे अपेक्षा कर रही है कि उसकी पार्टी के अंदर ये जयचंदीकरण का निर्माण नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे वो अजय विश्नोई हों, चाहे वो त्रिपाठी जी हों, जो लोग नीचे स्तर तक उपेक्षा का शिकार नेतृत्व तो है, चाहे वो विंध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे केदार शुक्ला जैसे लोग हों, ये लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे न्याय की, वो उन्हें नहीं मिला, और आज इसीलिए ये आवाजें उठ रही हैं। उधर दमोह में शिकस्त के बाद सीएम शिवराज ने कहा है कि हालातों को और समीकरणों की वजह से हम हार गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने हार के लिए कोरोना को भी उन्होंने एक वजह माना। उधर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने सीएम शिवराज से इस्तीफे की मांग कर ली है। दमोह में स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, और हमारा ध्यान पूरी तरह से कोविड से लड़ने में
लगा हुआ था। दमोह उपचुनाव के परिणाम ये पूरी तरीके से साबित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास शिवराज सरकार से पूरी तरीके से उठ गया है और शिवराज सरकार अब लड़खड़ाने लगी है। उसी उन्हीं के विधायक चाहे अजय विश्नोई हो, चाहे नारायण त्रिपाठी हो, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, या कई भाजपा के जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या महिला नेत्री हो जो अपने परिवार का इलाज नहीं करा पा रही हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार लड़खड़ाती हुई कभी भी गिर सकती है। तो दमोह हार को लेकर के बीजेपी में घमासान मचा है। कांग्रेस खुश तो है लेकिन बहुत अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है ना ही पूरे प्रदेश की सेहत पर, लेकिन हाँ दमोह की सेहत पर कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में आज के हमारे सवाल क्या हैं आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की जीत से क्या बीजेपी कुछ सीखेगी, क्या सीखेगी बीजेपी कांग्रेस की जीत से, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगला सवाल है, दल बदला तो वोटर ने दिल बदल लिया। जी हाँ, दल बदलने के बाद लगा था कि वोटर नहीं बदलेंगे, राहुल का साथ देंगे, लेकिन राहुल लोधी को समझ में आ गया। अपनों से कैसे बचेगी बीजेपी, ये अपने आप देखिए, कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमा में है, ये अपने हैं या पराए जनता तय करे। और जनता ने कर दिया ऐलान, कोरोना में सरकार नाकाम, क्या दमोह की हार इस बात का इशारा है, इस बात का ऐलान है कि जनता कोरोना काल में सरकार के प्रयासों से, सरकार की कोशिशों से नाखुश है, नाराज है। ये बड़े सवाल हैं जो हम लगातार उठाएंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जुड़ चुके हैं भोपाल से। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ दमोह से प्रीतम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे चुनाव की, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूंगा, ये जीत जो है बहुत सरकार की सेहत पर तो असर नहीं डालेगी, लेकिन कांग्रेस की मनोस्थिति पर और सरकार की गलत फहमियों पर, जिसे आप तथाकथित गलत फहमी कहते हैं, मुगालते कहते हैं, उस पर बहुत असर डाल सकती है आपको लग रहा है? अच्छी खासी चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, इनके शीर्ष नेतृत्व ने सौदेबाजी करके, खरीद फरोख्त करके पिछले मार्च में गिरा दिया था। और उसके बाद कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू, जितने भी सब चीज़ें होती गई, और उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए, उसमें 19 सीट इन्होंने जीती और ये सरकार बरकरार रह गई। अब सवाल उठता है कि उसके बाद फिर राहुल लोधी, ये भी सौदेबाजी करके, करोड़ रुपए की सौदेबाजी करके ये कांग्रेस छोड़ के, जिन्होंने कहा था कि ये मैं कभी भी कांग्रेस को धोखा नहीं दूंगा, ये मेरी माता है, मेरे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो मुझ पर थूकेगी, पर इन्होंने भी छोड़ा और उसके बाद दमोह का बाई इलेक्शन हुआ। दमोह का बाई इलेक्शन में जनता ने करारा जवाब दिया। और ये बात अभी मरैया जी का जो मैं सुन रहा था वक्तव्य जी, कि 17,000 से कोई सबोटेज करके और वो करके मुझ जैसा आदमी चुनाव हरा दे, नहीं हो सकता। जब पूरे वार्ड ही हार गए तो ये जनता ही कर सकती है। तो अब जनता ने राहुल लोधी को तो नकारी दिया, जिनको पाँच साल के लिए जनता ने चुना था, दमोह की जनता ने, और बड़ी बुद्धिजीवी जनता है, उनने करारा जवाब राहुल लोधी को भी दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी दिया कि खरीद फरोख्त वाली सरकार अब नहीं चलेगी। कोरोना काल में आप चुनाव करा रहे हो, लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं है। इन सब की अफरा तफरी के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, लेकिन दमोह को छोड़ दिया छुट्टा कि वहाँ न तो लॉकडाउन था और न ही कोई कर्फ्यू था। और वहाँ का जो संक्रमण डोज बताती थी सरकार कि जबलपुर में कितना हुआ, भोपाल में कितना हुआ, दमोह उसमें से बाहर था। वो दमोह में लोगों की जान जाती गई, वहाँ SDM की जान गई। अभी अभी हमारे
मंत्री जी जो उस चुनाव में आए थे पूर्व मंत्री भजन सिंह राठौर उनकी मौत हुई। तो ये पूरा ये जो एक कहावत है कि ये पब्लिक है सब जानती है और यहाँ पूरा जी जनता ने विरोध करके भारतीय जनता पार्टी को हराया और ये बता दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की ये सौदेबाजी से बनी हुई सरकार ये नहीं चलेगी। और कोरोना वायरस घुस गया है भारतीय जनता पार्टी में, जो ये जो 15-20 लोग गए बाद में चुन लिए मंत्री बन गए, लेकिन जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अजय बिश्नोई हो, चाहे सुरेंद्र पटवा हो, चाहे केदारनाथ शुक्ला हो, जो बहुत से नाम आदरणीय गुप्ता जी ने दिखाए, ये सब क्वारंटाइन हो गए, इनको बाहर कर दिया। जो बीजेपी के वर्कर थे उनको घर बिठा दिया। इनको केवल सत्ता से मतलब है और सत्ता का सुख चाहिए था मुख्यमंत्री शिवराज जी को। और हमारे किसी नेता ने जाफर भाई ने सही कहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार सौदेबाजी वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और आज पूरे जमो वो जगह है जिसमें सबसे पहली बार ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो लूट लिए गए। ऑक्सीजन की कमी इस तरह से आई कि ऑक्सीजन की चोरी या लूट सबसे पहले दमोह के अंदर हुई। ठीक है, तो ये जो आज पूरा मध्य प्रदेश में मौत का तांडव मचा हुआ है कोरोना की वजह से, ये सरकार पिछले 6-8 महीने में जो तैयारी का मौका मिला था कि ऑक्सीजन के प्लांट्स आ जाते, ठीक है, शर्मा जी हमारे साथ, स्थिति हो जाती, शर्मा जी हमारे बेड बन जाते, ये सब में नाकाम हुई। और ये एक अंतर कलह है, आप देख लीजिए गोपाल भार्गव जी का स्टेटमेंट, आप देख लीजिए प्रहलाद पटेल जी का स्टेटमेंट, आप देख लीजिए अजय बिश्नोई जी का, तमाम लोग इस समय खिलाफत कर रहे हैं और एक पूरी तरह से कलह भारतीय जनता पार्टी के। अजय विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गए शर्मा जी, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है। जी जी शर्मा जी, अजय विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गए। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था मैं, अरे भैया अपने ग्रामवान में तो जाको, आप 200 सीट से ऊपर लाने की बात कर रहे थे, आप भी जिस समय मध्य प्रदेश में जनता ऑक्सीजन मांग रही थी। ठीक है शर्मा जी, आपके पास आऊंगा मैं, अजय विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी बात कर लेते हैं। दमोह के अंदर विष्णु जी देख रहे हैं आपकी किस तरह के आरोप भी लग रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं, लगी हुई थी पूरा पैसा लगाया आपने, इस हार का बंगाल में किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? लेकिन सब जगह आपका चौपट हो गया, आप वहाँ पे शर्मा जी बोलो, शर्मा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप बोलना शुरू कर सकते हैं। अजय जी जितने नेता मुख्यमंत्री धन्यवाद, सब पूरा भारत का हिंदुस्तान का सब जो है किसको जवाबदार माना जाए? जी हार की जवाबदारी मैं देना चाहूंगा हमारे वहाँ के प्रत्याशी को, जो जवाब अपने जनता का दिल नहीं जीत पाए, जनता में कोई भरोसा जागृत नहीं कर पाए, जो अपने आप खुद का गांव का चुनाव जीत पाए, तो हार तो उनको लेना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में उनके चुनाव प्रचार में दिन रात एक किया, और शर्मा जी के आरोपों को सही मान लिया जाए तो जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में भी सुबह शाम रात दोपहर लोग लगे रहे। इसके बाद यदि हम नहीं जिता पाए तो कहीं ना कहीं उसमें उनका भी रोल है जो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके जो 15 महीने की गतिविधियां थी कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के सरकार में रहते हुए, वो भी जनता नहीं पचा पाई, इसलिए हम बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद उनको हम चुनाव नहीं जिता सके। हार उसका यदि स्वीकार करना चाहिए तो राहुल जी को स्वयं बड़ा मन के हार स्वीकार करना चाहिए, तभी वो कल के समय में नेता बन पाएंगे, नहीं तो शायद ये उनका आखिरी चुनाव होके रह जाएगा। अजय जी ये बात आप भी कह रहे हैं, लखन जी भी कह रहे हैं, तमाम लोग, हम लखन घनघोरिया जी को भी हम सुन रहे थे अभी, हर आदमी कह रहा है, बीजेपी का वरिष्ठ नेता एक तरह से, कि जो हार है उस पर हम जरूर आत्ममंथन हमें करना चाहिए, लेकिन ये हार बार बार, बीजेपी का एक धड़ा कह रहा है कि हम जयचंदों की वजह से हार गए, वो कह रहे हैं कि हमें अपनों ने हरा दिया, कुछ राहुल लोधी तो सीधे नाम लेकर के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं मलैया जी पर, तो आपको लग रहा है कि यहाँ ये गड़बड़ हुई है, और अगर हुई भी तो इस स्तर की हुई है? राहुल लोधी को आए हुए बीजेपी में दिन कितने हुए? जी जितने दिन उनको नहीं हुए हैं उससे ज्यादा कई बरस से जो काम करने वाले लोग हैं उनको जयचंदो का सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी, राहुल लोधी होते कौन है? राहुल लोधी अपनी हैसियत में रहे, अपने जामे में रहे, और उसमें रह के बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में पचेंगे, और नहीं है तो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाएंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति के हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। ये कांग्रेस नहीं है जहां हम आते ही से बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगा दें। मैं बार बार उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, हम लोगों ने वर्षों रहे हैं, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, पर कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाने के लिए खड़े हो जाए। उनको ये बात सीखना पड़ेगी, तभी वो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल पाएंगे।
ठीक है, हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी दमोह के जिला अध्यक्ष। प्रीतम जी, इस हार को लेकर के आपको क्या वजह लग रही है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर थे, आपने वहां सब चीजें देखी, आप आरोप भी देख रहे हैं भीतरघात के और आप एक डिफेंस भी देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता गद्दार नहीं हो सकता जो बीजेपी से इतने सालों से जुड़ा रहा, क्या वजह आपको लग रही है? जी, पूर्णता सही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता होता है और खासतौर से जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ दमोह में एक आदर्श नेता माने जाते हैं। तो आदर्श नेता होने के साथ साथ उनके जो लोग यहाँ स्थापित किए हुए हैं वो आज कई बड़े बड़े पदों पर आसीन है और उनके माध्यम से वो राजनीति उन्होंने सीखी है। निश्चित ही आदरणीय जनमैया हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ने पूरे मनोयोग से पूरे चुनाव में अपनी जान की परवाह नहीं किए, इस कोरोना काल में दिन रात एक करके प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम किया है और उस काम के आधार पर आज जो हम इतनी वोटें प्राप्त कर पाए हैं तो निश्चित ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं की मेहनत है। बिल्कुल, मैं अजय विष्णु जी के पास आऊंगा। विष्णु जी, एक बड़ा सवाल यह है, राहुल लोधी ने अभी अपने बयान में कहा कि जो लोग कहते थे बीजेपी हमारी पार्टी हमारी माँ है वो बेईमानी कर गए और उनके कारण मैं हार गया, और मुझे हंसी इस बात की आती है कि यही वो राहुल लोधी हैं जो कांग्रेस को लेकर के भी यही बात कहते थे और फिर वो बीजेपी में आ गए, तो ऐसे लोगों को आपको लगता है कि क्या कुछ अधिकार होना चाहिए नैतिक इस तरह की बात करने का, जो खुद अभी कुछ दिनों पहले एक पार्टी छोड़कर आए हैं और दूसरी पार्टी के लोगों को वो पार्टी से ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं? देखिए, राहुल लोधी को तो किसी भी प्रकार का कोई सवाल भी बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पूछने का अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि वो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी बहुत जूनियर है। सिर्फ एक बार विधानसभा का चुनाव मिल गया, टिकट मिल गई और टिकट के लिए वो चुनाव में लड़ गए तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देने लग जाएंगे, जयचंद बताने लग जाएंगे, जयंत मलैया जैसे सीनियर लोगों के ऊपर आरोप लगाने लग जाएंगे, ये उनकी मानसिकता को बतलाता है। पर आप ठीक कह रहे हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस में भी इसीलिए शायद नहीं चले और बीजेपी में भी शायद इसीलिए नहीं चलेंगे और राजनीति का उनका यहाँ पर अंत हो जाएगा। उनको कोई अधिकार कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का आरोप लगाए। अजय जी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता भी जब इसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं कि हम हारे हैं छल छंदों से, अपने घर के जय छंदों से, तो फिर लगता नहीं कि पार्टी में इसे लेकर के अंतर्विरोध है? एक बड़ा धड़ा है जो राहुल लोधी के साथ खड़ा हुआ है और वो मानता है कि हम अपने भीतरघात से हार गए, और एक आप जैसे लोग हैं, प्रीतम सिंह लोधी जैसे लोग हैं या जयंत मलैया जी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस कोई भीतरघात करके पैदा नहीं कर देता, ये जनता की जीत और जनता की हार होती है। मिश्रा जी चुनाव में जो दबो के आए नहीं जी, मिश्रा जी व्यस्त थे बंगाल के चुनाव में, उनके पास बड़ी जवाबदारी थी, अब वो उनको तकबंदी करने की आदत है। दमों के चुनाव पे अभी उन्होंने क्या कह दिया मैं नहीं जानता हूँ जी, परंतु मैं ये बात जानता हूँ कि हम दमों के चुनाव में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हम क्वारंटाइन थे, हम खुद कोविड के ग्रस्त हो गए थे, पर दमों हमारे बगल में है। इसी दमों जिले से मैंने 3-3 बाई इलेक्शन लड़वाए हैं, मैं दमों के कार्यकर्ताओं को दैनंदिन रूप से जानता और पहचानता हूँ, और जयंत मलैया तो हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, मैं वहाँ की तासीर को भी समझता हूँ दमों की बहुत अच्छी तरीके से। यदि तासीर को नहीं समझते हैं तो शायद राहुल लोधी नहीं समझते हैं, और राहुल लोधी अपने आप को बड़े नेता नहीं मानते। एक बार यदि वो चुनाव जीत गए थे 800 वोटों से तो सिर्फ इसलिए जीत गए थे कि रामकृष्ण कुसमरिया खड़े हो गए थे, नहीं तो राहुल लोधी विधायक के रूप में कभी आज तक पैदा ही नहीं होते, इतना बड़ा नाम ये बनते ही नहीं जितना बड़ा ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस हार के बाद में यदि उन्होंने गंभीरता नहीं अपनाई, इस हार को उन्होंने बड़े मन से स्वीकार नहीं किया और अपने आप को उन्होंने पार्टी के बीच में विनम्रता के साथ में नहीं आए तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी राजनीति कहीं 2-4 दिन आगे भी चल पाएगी। ठीक है, हम एक बार फिर से पीसी शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि एक बात ये बार बार कही जा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हालांकि सियासी तौर पर इस तरह की चीज़ें लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं जनता की बात करता हूँ। कहा जा रहा है कि सिंधिया जब से आए हैं तब से बीजेपी का एक बड़ा गुट जो है वो उनके और उनके खास समर्थकों को ठिकाने लगाने में जुट गया है। इमरती देवी, राहुल लोधी, जो जो लोग आए थे, जब जब वो जनता की कसौटी पर जाएंगे बीजेपी के नेता उनका यही हश्र करेंगे क्योंकि वो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी जगह पर आकर टिकट लेते हैं, उनकी जगह पर निगम मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, उनकी जगह पर आकर के पार्टी में वो रुतबा पाने की कोशिश करते हैं जो साल वो मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी
सही कहा आपने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी शर्मा जी बोलिए। सही कहा आपने, अजय बिश्नोई जी जैसे सीनियर आदमी, इस समय डिप्टी सीएम होना था इनको, पर ये जो कांग्रेस के जो जयचंद गए 20-25 उसकी वजह से क्वारंटाइन हो गए। यही हाल सुरेंद्र पटवा जी का है, तो खटीक जी पहले मंत्री थे उनका, और वो बहुत सीनियर लोग। और मलैया जी ने जो बात कही, एक बात सही कही कि इतनी बड़ी हार कोई कार्यकर्ता या कोई वो कि पूरे वार्ड हार गए उससे नहीं होगा, ये जनता ही खिलाफ हो गई। जनता राहुल लोधी के खिलाफ तो हुई कि जिसको 5 साल के लिए चुना था और 1.5-2 साल में सौदेबाजी करके वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, और वहाँ पे आके जो जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ जी, जयंत मलैया जी को जिस तरह की कहा जा रहा है जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बिश्नोई जी से, अभी आपने सही सवाल किया कि ये बात तो खुद नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, जो इस समय गृह मंत्री है और प्रवक्ता है सरकार के वो कह रहे हैं कि जयचंदो की वजह से आ रहे हैं। तो कुल मिला के घमासान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये कोरोना वायरस जो फैला है ना, ये 20-25 जो लोग गए, ये पूरा अंदर घुस के पूरा वेंटिलेटर ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी को वेंटिलेटर पे ले आएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस से जयचंद बन के गए, जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस में सालों साल से थे वो, उसको जब धोखा दे सकते हैं तो वहां बीजेपी के अंदर धोखा क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल, जो बात आज राहुल लोधी कर रहे हैं, ये बचे हुए लोग भी आगे चल के यही करने वाले हैं, और ये जो घमासान है। हाँ। और दूसरी तरफ दूसरी और सही है, वहां का भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो पीछे हो गया, 1 साल हो गया सरकार को, लेकिन जितने कार्यकर्ता थे उनको जो तवज्जो मिलना थी वो नहीं मिली। ये बात अजय बिश्नोई जी को भी मैं कल सुन रहा था किसी डिबेट में, एक इनका कोई स्टेटमेंट सुना, इनने खुद कहा, और आप देख लीजिए पूरे उसे जो सीनियर लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, सब आज पावर से दूर हैं। ठीक है, और 1 साल के अंदर ये सरकार जो बनी, क्योंकि पाप का जब घड़ा भरता है तो यही स्थिति होती है। ठीक है प्रीतम जी, आपसे पूछ लेते हैं, और इनका पाप का घड़ा भर चुका है शर्मा जी, हम प्रीतम जी के पास चले जाते हैं। इसलिए ये स्थिति इनकी हुई है, दुर्गति हुई है कि ये ऑक्सीजन दे नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, आपने बताया हिंदुस्तान में ऑक्सीजन कहीं लूटी गई है, तो प्रीतम जी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था यहाँ पर। प्रीतम जी, क्या आपको लगता है, क्या आपसे, जब चूंकि संगठन आपके हाथ में था और जब आप इस हार की समीक्षा कर रहे हैं या कर रहे होंगे या कर ली होगी अभी तक, मोटे तौर पर कुछ ना कुछ चीजें निकली होंगी, तो क्या आपने संगठन सीएम को इस बात से इतला इसकी कर दी है कि क्या रही हार की वजह, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? और अगर आपने एक इनपुट दे दिया है तो ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जयचंदों की वजह से हारे? आप डिसिप्लिन की जो कार्रवाई है वो किस पर होनी चाहिए आपके हिसाब से, राहुल लोधी पर होनी चाहिए या उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने हरवा दिया, और हराने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है और जो कमियां हमारी और हमारे प्रबंधन के द्वारा रही है, तो बहुत सारी की सारी बातें मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को बता दी हैं। अब वहां से जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा और प्रदेश अध्यक्ष जी भी समीक्षा करेंगे, और जो समीक्षा में निकल के आएगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, चाहे वो राहुल सिंह हो या अन्य कोई कार्यकर्ता, यदि इसमें कहीं जैसे उनको संदेह है और संदेह के घेरे में आता है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, एक जिलाध्यक्ष के नाते प्रीतम जी, आपको क्या लगता है, क्या भीतरघात किया है किसी ने पार्टी के साथ, आपको लगता है हाँ या ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, कहीं भी ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहीं पे जितना जिसको जो जवाबदारी दी गई है वो जवाबदारी बखूबी रूप से निभाई है। बिल्कुल अजय जी आपके पास आ रहा हूँ, अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है कि जिस राह पर बीजेपी चल पड़ी है, क्या वो राह बदलने की जरूरत है? क्योंकि ठीक है, सरकार और सत्ता में रहने का जो तरीका अपनाया गया मध्य प्रदेश में, बीजेपी को उस नजरिए से लोग नहीं देखते थे इस बार जो सत्ता में जिस तरह से बीजेपी आई, लेकिन अब क्या लगता है कि उसके बाद भी जो तरीका है कि जो लोग लाए गए हैं उन्हें इस तरह से लेकर के चलने की मजबूरी, सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए, संगठन को कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए, आपको लगता वक्त आ गया?
बीजेपी किस राह पर चलेगी ये तय करने वाला अजय विश्नोई कोई नहीं होता जी। हमारे यहाँ एक संगठन चलता है, सारे लोग एक साथ मिलकर विचार करते हैं और राह तय करते हैं। राह तय करने वाले कई बार गलती भी कर सकते हैं, कई बार सही भी हो सकता है, परंतु उसके कारण ये नहीं हो जाता कि हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे या हम उनको राह दिखाने लग जाएंगे। राह तय करने का काम जिनके जिम्मे है वो अपनी राह तय कर रहे हैं, हम सब उस राह पर चल रहे हैं। कभी हमको फायदा भी होता दिखता है, कभी नुकसान भी होता दिखता है, परंतु उसके बावजूद भी हम जो पार्टी निर्णय लेती है उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, यही हमारे पार्टी की रीति है। अजय जी एक छोटा सा सवाल, क्या कोरोना काल में इस चुनाव के नतीजों को कोरोना काल में सरकार की नाकामी या जनता की नाराजगी के इशारे के तौर पर देखा जाए? देखिए कोरोना की यदि हम बातचीत कर लें तो पूरे देश में हालात खराब है। किसी भी प्रदेश में चले जाए, जिस प्रदेश में चले जाएंगे, जिस प्रदेश की उस पर जिस पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ लोग बोलते हुए मिल जाएंगे जो कोरोना से व्यथित है, पीड़ित है, देखते हैं। मैंने पहले भी इसके पहले किसी एक डिबेट में कहा था ये महामारी है, महामारी का अर्थ है इतनी बड़ी तादाद में आ गई बीमारी जिसकी हमने कोई कभी कल्पना नहीं की थी, और जब ऐसी नहीं होती तो जो भी साधन है वो छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और जब साधन कम पड़ जाते हैं और व्यथा बढ़ जाती है तो फिर लोग दोष देने लगते हैं। दोष हम किसी को भी दे सकते हैं, पर सच्चाई यह है आज दोष देने के बजाय ये देखना चाहिए कितनी मजबूती के साथ, कितनी शिद्दत के साथ कौन सी सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है। मैं समझता हूं चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इस कोरोना से लड़ने के लिए तमाम तैयारी ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, सारी की सारी बिल्कुल के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी, इंजेक्शन के कोटे बांध दिए जाएंगे, नए नए लोगों को डॉक्टरी के काम कर दिया जाएगा। जी जी अजय जी अच्छा काम हमारी सरकार से। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, प्रीतम सिंह लोधी जी, अजय विश्नोई जी, पीसी शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आगे आप अपना समय इसी तरह देते रहेंगे। फिलहाल आपकी बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही, लेकिन आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के वो सवाल जो जनता पूछना चाहती है। छत्तीसगढ़ के कुछ खास और बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।